जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 8-10 दिन से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और इस विवाद के कारण दोनों साइड से लोग मर रहे हैं। जहां इजराइल में भी लोग मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक हो या फिर गाजा स्ट्रिप में भी लोग मर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमास की तरफ से जितना भी रॉकेट दागा जाता है, इजराइल के पास आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो उसे रोक लेता है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक होता है या फिर बॉम्ब गिराया जाता है आतंकवादियों के ऊपर, उनके साइड में जो सिविलियन लोग रहते हैं उनका भी, मासूम लोगों का जान चला जाता है और उनके पास कोई एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नहीं है वो इजराइल की बॉम्ब या रॉकेट को, मिसाइल को रोक सके। दोस्तों, इसके साथ साथ हमास भी जो कई सारे रॉकेट दागता है इजराइल की तरफ, वो भी कभी कभी मिसफायर होकर खुद अपने लोगों के ऊपर गिरता है, वो लोगों का भी जान चला जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हमास इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को चकमा देकर इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके साथ दोस्तों, अमेरिका की मीडिया मतलब वाशिंगटन पोस्ट भी एक तरीके से आयरन डोम को जिम्मेदार बताया है। उनका मुताबिक है कि आयरन डोम के कारण ही इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद अब इतना दिनों तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। इसमें कितना सच्चाई है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमास का मिलिट्री पावर इजराइल के सामने कुछ भी नहीं है। हमास के पास ना तो टैंक है, ना आर्टिलरी सिस्टम है, ना फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके जरिए वो इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर इजराइल को टारगेट कर सकता है। हमास के पास ऐसे ही छोटे छोटे रॉकेट है जिसके जरिए वो इजराइल के एरिया को टारगेट कर सकता है, जिससे इजराइल की आर्मी समेत सिविलियन लोगों का जान जा सके। और हमास ये ट्रिक को अपनाता भी है। अब तक तकरीबन 4000 के ऊपर हमास छोटे छोटे रॉकेट इजराइल के ऊपर दाग चुका है, लेकिन इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम तकरीबन 80-90% हमास के रॉकेट को मार गिरा देता है। ऐसे में हमास कई सारे तरीका अपनाता है जिससे वो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को चकमा दे पाए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हमास इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करता है। इससे पहले जान लेते हैं इजराइल की जो आयरन डोम सिस्टम है वो कैसे दुश्मन की तरफ से जो मिसाइल आता है उसे इंटरसेप्ट करता है। दोस्तों, आयरन डोम सिस्टम खासकर तीन तरीके से दुश्मन के रॉकेट को इंटरसेप्ट करके मार गिराता है। पहला स्टेप है फ्रंट अप्रोच, मतलब सामने से हमास के रॉकेट आता है तो आयरन डोम का रॉकेट नीचे की तरफ जाकर मतलब ऐसे ही स्ट्राइक करते हैं और मिसाइल को तबाह कर देते हैं। आप देख सकते हो, इससे क्या होता है कि जो दुश्मन रॉकेट का वारहेड होता है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है। नंबर टू है साइड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि मान लो हमास की रॉकेट यहाँ से आया, आयरन डोम का सिस्टम ऐसे जाकर इस एरिया पे हिट करता है, लेकिन इसे दोस्तों जो दुश्मन का वारहेड है, दुश्मन रॉकेट का वारहेड है, वो बच जाता है। नंबर थ्री है रियर अप्रोच। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि मान लो ये है हमास का रॉकेट, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ऐसे जाकर पीछे से उसे हिट करता है। दोस्तों, इस वाले मेथड से भी जो दुश्मन का वारहेड है वो भी सेव हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है फ्रंट अप्रोच। अब जानते हैं कैसे हमास टेक्निक का इस्तेमाल करके इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो जाता है या फिर चकमा देने की कोशिश करता है। दोस्तों, आप ये फोटो को देखिए, इस फोटो में सारे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, चाहे कितना भी अच्छा हथियार क्यों ना हो, हर एक हथियार का कोई ना कोई कमजोरी है और आयरन डोम सिस्टम का उसी कमजोरी का फायदा हमास वाले उठाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी वो कामयाब भी हो जाते हैं। देखिए, कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, उसका दुश्मन की मिसाइल हो या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर दुश्मन की तरफ से जो भी थ्रेट आता है उसे ट्रैक करके उनके तरफ मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइल भेजने की जो पावर है वो लिमिटेड रहता है। अगर हम आयरन डोम सिस्टम की बात करें तो आयरन डोम सिस्टम साइमल्टेनियसली 12 टारगेट को ट्रैक करके उनके ऊपर तामीर मिसाइल दाग सकता है। ऐसे में हमास वाले क्या करते हैं, वो जानबूझकर एक, मतलब मान लो इस एरिया में एक आयरन डोम सिस्टम का बैटरी है, तो वो जानबूझकर 15, 20 या 25 छोटे छोटे रॉकेट दाग देते हैं। ऐसे में जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है वो कन्फ्यूज हो जाता है और सारे रॉकेट को ट्रैक नहीं कर पाता है। ऐसे में उनको मतलब अगर 30 रॉकेट हमास की तरफ से दागा जाता है तो मैक्सिमम 15-20 रॉकेट अगर इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ट्रैक कर लिया तो बाकी 5-10 तो आकर गिरेंगे ही इजराइल के सिटी के ऊपर, जिससे इजराइल को नुकसान होगा और उनके लोग भी मरेंगे।
इसके साथ दोस्तों इजराइल का जो तामीर मिसाइल है उसका एक मिसाइल का कॉस्ट $80,000 है, मतलब जवाब में हमास जो रॉकेट इस्तेमाल करता है उसका प्राइस काफ़ी कम है, सिर्फ $200-$300 के बीच है। हालांकि प्राइस इजराइल के लिए बड़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन जो ज़्यादा नंबर पे हमास की तरफ से रॉकेट दागा जाता है इससे क्या होता है कि कभी कभी इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो ट्रैक करने में कामयाब नहीं हो पाता है। और अभी हमास वाले इसी मेथड को ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इजराइल भी काफ़ी स्मार्ट है, इसलिए वो क्या करता है कि हमास वाले जहाँ रॉकेट दागने की कोशिश करते हैं वो शुरू मतलब पहले से ही वो ये सब एरिया को सैटेलाइट हो या फिर अपना सर्वेलेंस ड्रोन के जरिए देख लेता है और उनके ऊपर मतलब वो इजराइल के ऊपर हमला करने से पहले ही इजराइल उनके ऊपर मिसाइल दाग देता है। या फिर जो हमास के बड़े बड़े कमांडर हैं जिनके ऊपर है कि वो इजराइल के ऊपर कैसे हमला होगा वो सब चीज़ें वो देखेंगे, उन्हें ही वो इजराइल एयर स्ट्राइक करके मार देता है। दोस्तों बताऊँ वाशिंगटन पोस्ट के ऊपर, हालांकि मैं वाशिंगटन पोस्ट वाला न्यूज़ फोटो में नहीं लगा पा रहा हूँ, आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों वाशिंगटन पोस्ट ने ये आरोप लगाया है इजराइल आयरन डोम सिस्टम के कारण ही अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद चल रहा है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इजराइल के पास तो आयरन डोम सिस्टम है इसलिए हमास की तरफ से जितना रॉकेट दागा जा रहा है वो तो इजराइल तकरीबन 80-90% रोकने में कामयाब हो जा रहा है। इसलिए इजराइल को कोई टेंशन नहीं है ये जंग कितना दिनों तक चले, कितने लोग मरे, क्योंकि अभी नुकसान ज़्यादा तो गाजा स्ट्रिप में जो रह रहे हैं उनको हो रहा है। इसी वजह से ये आयरन डोम सिस्टम ही जिम्मेदार है इजराइल और फिलिस्तीन में जो विवाद अभी बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल है क्या वाशिंगटन पोस्ट को ये नहीं दिखाई दे रहा है जो हमास की तरफ से 4,000 के करीब रॉकेट दागा गया है? अगर हमास अपने तरफ से रॉकेट नहीं दागेगा या फिर कोई इजराइल को उकसाने वाली हरकत नहीं करेगा तो इजराइल भी जवाब में उतना मतलब कड़ा जवाब नहीं देगा। लेकिन आप जानते हैं वाशिंगटन पोस्ट क्या कह सकता हूँ, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। अब आता हूँ सबसे आखिर पॉइंट के ऊपर। कल एक मुझे दोस्त ने मुस्लिम भाई ने नीचे कमेंट करके बताया था, अगर तुम फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हो और सॉरी इजराइल का सपोर्ट करते हो और फिलिस्तीन पर इजराइल जो कब्जा करके रखा है उसे सपोर्ट करते हो तो चीन भी हमारा लद्दाख एरिया पे जो कब्जा करके रखा है या फिर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी तो फिर सही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये पॉइंट में दम नहीं है, इजराइल फिलिस्तीन के जॉइंट पर कब्जा नहीं किया है। हाँ अगर आप एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में देखोगे तो वो लग सकता है हाँ यहूदियों ने आकर अरब मुसलमान रहते थे उन्हें वो सब एरिया में भगा कर जमीन कब्जा कर ली, लेकिन डिपेंड करता है आप कितने टाइम पीरियड में जाकर देखते हो। अगर हम 2000 साल पीछे जाएंगे तब तो मतलब मोहम्मद साहब मतलब इस्लाम तो शुरू भी नहीं हुआ था, इस्लाम तो वही 500-600 मतलब आज से 15 साल पहले ही शुरू हुआ था। तब तो मतलब जो यहूदी रिलीजन है वो तकरीबन 3,500 साल पुराना है, वो इस एरिया में बड़े लेवल पर रहते थे और इस एरिया का नाम भी अलग था उनके धर्म ग्रंथ के हिसाब से। बाद में क्रिश्चियनिटी आया, इस्लाम आया तो उनको भागकर दूसरे जगह पर जाना पड़ा। और अगर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने जो रूल दिया था मतलब जो पॉइंट दिया था उस हिसाब से अगर ये प्रॉब्लम अरब मुस्लिम अगर मान जाते कि हाँ हम इतने एरिया में हम खुश हैं बाकी इजराइल वाले ले ले या फिर हमें और थोड़ा ज़मीन चाहिए मतलब 45-55 था, अगर मान लेते कि 50-50 हो जाए हम उतने में खुश हैं, तो आज तक ऐसा नौबत नहीं आता। आप लोग नहीं माने, आप लोग लगता था कि ये लोग तो अभी हिटलर की तरफ से मार खा के आए हैं तो हम इस साइड में इतने सारे मुस्लिम देश हैं हम चाहें तो आसानी से उन्हें जंग में हरा के फिर से पूरा 100% जमीन को कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके पास आज पावर है तो वो कर रहे हैं अपने हिसाब से जो उनको सही लग रहा है, वो कितना सही है कितना गलत है आगे टाइम आने के बाद पता चलेगा। अब उनके हाथ में पावर है तो वो ये सब काम कर रहे हैं, कल को अगर इस एरिया में मुस्लिम वर्ल्ड के पास पावर आ जाएगा फिर से उनका हालत ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ये साइकिल तो चलता रहेगा, मतलब पहले से चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। लद्दाख के ऊपर अगर मैं आऊँगा तो आप सब जानते हैं हमारा कैलाश मानसरोवर तक मतलब हमारा धर्मांत के हिसाब से वो एरिया हमारा है और हमें जो देश मिला था ब्रिटिश के हिसाब से ये पूरा एरिया हमारा है। ऐसा नहीं है कि ये एरिया चीन के पास था तो बीच में हमारे पास आ गया तो फिर चीन आके इस एरिया पर कब्जा कर लिया, मतलब आप जो सवाल उठा रहे हो वो फैक्चुअली गलत है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कल मैं चीन वाले मुद्दे पर आऊँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं चीन के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ, कल सुबह मैं चीन के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।